नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 4 अक्टूबर है और दिन है बुधवार। सरसों के बाजार की जो अधिकतर डिटेल थी, अधिकतर जो आज की गतिविधि थी, उसके बारे में सुबह की वीडियो में आपको जानकारी दी जा चुकी है। शाम के वीडियो में थोड़ा संक्षेप में ही बात करेंगे और सिर्फ कुछ एक बातें जो आपसे शेयर करना ज़रूरी है। उनसे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे। श्री मरुधर ट्रेडिंग एजेंसी है, जयपुर की बहुत प्रसिद्ध एजेंसी है। उसका एक अनुमान सामने आया है सितंबर 30 तक। उनका मानना है कि मार्च से लेकर के सितंबर तक इस अवधि के अंदर जो सरसों की जो टोटल आवक है मंडियों के अंदर जो सरसों हैं वो 82.5 लाख टन के आसपास आ चुकी है और उसके अंदर से 62 लाख के आसपास जो है क्रशिंग हो चुकी है और जो कुछ जो मंडियों में या व्यापारियों के पास ट्रेड में या मिलर्स के पास या किसानों के पास जो सरसों अभी भी पड़ा है उसकी मात्रा बताई जा रही है 48 लाख टन के आसपास। तो ये एक मोटा मोटा सा आंकड़ा है। दूसरा, इस सरसों के बाजार को जो दूसरे जो प्रमुख तेल है जो सपोर्ट करता है विदेशी तेल पाम तेल की स्थिति ये है कि इस सितंबर महीने में जो अभी बीत करके गया है, इस सितंबर महीने में हमारा जो पाम का जो आयात है वो 19% तक कम हुआ है। हालांकि पहले से ही बहुत ज़्यादा आयात हो चुका है और 59% तक अगस्त तक हमने कर लिया था पिछले एक पूरे सीजन का 59% अधिक था पिछले साल की तुलना में। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा था और उसके बाद सितंबर में अगर वो घटता भी है तो घरेलू बाजार पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब चूंकि पाम तेल की डिमांड जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन फिलहाल क्योंकि त्योहारी सीजन सामने है तो पाम तेल की भी डिमांड है और दूसरे खाद्य तेलों की भी डिमांड है। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि सरसों के साथ साथ दूसरे लगभग सभी जो खाद्य तेल हैं उनकी डिमांड में थोड़ा बहुत सुधार होगा, 10-15% तक की तेजी दीपावली और दीपावली के कुछ दिन बाद तक देखने को मिल सकती है। सरसों बाजार में आज कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 5850 रुपये पर जयपुर है, 5480 से लेकर के 5500 रुपये तक का बाजार भरतपुर का बोला जा रहा है, यानी स्टेबल है। दिल्ली भी उसी भाव पर स्टेबल है। मोरैना, ग्वालियर और खैरथल, सुमेरपुर, अलवर, इन सभी मंडियों के भाव जो है स्टेबल हैं और कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। सलोनी के भाव भी स्टेबल हैं, गोयल कोटा के भाव भी स्टेबल हैं। मैंने निवेदन किया था कि इस सप्ताह भी भाव आपको स्टेबल दिखाई दे सकते हैं, कोई ज़्यादा घटबट की संभावना नहीं है। पूरे सप्ताह के अंदर भी लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा। तो ये सरसों की बात। नरमा कपास के बारे में भी जैसे मैंने कल बताया था कि उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर घट सकता है क्योंकि उत्तर भारत में ज़्यादा नुकसान है, गुजरात के अंदर भी फसल को नुकसान होने की खबरें अब सामने आ रही हैं और जो कुल उत्पादन है उसका आंकड़ा अभी किसी एजेंसी ने जारी नहीं किया है, ना ही सरकार ने कोई ऐसा आंकड़ा दिया है कि कुल उत्पादन कितना होगा। लेकिन एक अनुमान है कि पिछले साल के जो उत्पादन था उससे लगभग जो है बराबर रह सकता है या थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बढ़ने की संभावना बहुत कम है। एक सज्जन ने गेहूं के बारे में पूछा है, तो गेहूं के अंदर देखिए 2600 का लेवल कई दिन से चल रहा है। दिल्ली लॉरेंस रोड का भाव 2600 प्रति क्विंटल पे चल रहा है। मैंने आपको शायद 1.5-2 महीने पहले ये बात बताई थी कि गेहूं में दिल्ली लॉरेंस रोड का जो भाव है वो 2600 से ऊपर नहीं जाएगा और 2600 के आसपास बाजार बना रहेगा। वही स्थिति है, 2590 होता है, 2580 होता है, 2600 होता है, 2610 होता है, वापस 2600 आ जाता है। लेकिन इसमें अब दीपावली तक कोई बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। कोई 20-30 रुपये का कोई सुधार हो जाए तो हो जाए, वरना गुंजाइश नहीं है। फिलहाल दिवाली के बाद इसके अंदर क्या स्थितियां बनती है ये बाद में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त और आज भाव बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने सारा कुछ विस्तार से आपको बता दिया है। नमस्कार।